हेलो नमस्कार, शीला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम लेडीज शर्ट फिटिंग की बनाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए हमारी ये है, शर्ट की लंबाई है 27 और हम लेंगे 29, 2 इंच एक्स्ट्रा, आधा इंच ऊपर फोल्ड के लिए और 1.5 इंच नीचे फोल्ड के लिए, ठीक है। अब ये मैंने खुला पार्ट यहाँ पे रखा है, देखिए, ठीक है, ये है खुला हिस्सा और ये है बंद, ऐसे रख लेंगे इसको। जो पट्टी है 2 इंच की मार्जिन में रख ली हमने, 2 इंच नीचे तक, 2 इंच की है जो बटन पट्टी बनेगी ना उसके लिए है ये। ठीक है, अब शुरू करते कटाई। अब हमारा तीरा है 7.5 का, मुड्ढे हैं 8.5 के, 8.5, कमर है 15 पर, इन निशानों को मिला देंगे। यहाँ पे कितना 7.5 था ना, तो यहाँ पे भी 7.5 ही होगा, 7.5, 36 है 10, 12। यहाँ पे मैंने प्लेट डालनी है ना, तो 10 ही लेंगे, 10 और 2, ये ज़्यादा ले रखा एक्स्ट्रा 12, और यहाँ पे भी 12, नीचे भी 12 ही होगा। अब ये जो सेपर है ना, इससे हल्की गोड़ाई देंगे यहाँ पे ऐसे, ये हमने लिया है ना 8.5, तो यहाँ पे हम 1.25 की छटाई करेंगे, शर्ट है ना इसलिए हमारा 3 इंच में तो गला तैयार हो जाएगा, इससे नीचे हो गई 1.25 की छटाई है। अब करेंगे कटिंग, प्लेट्स ऊपर से 11.5 पे है, और बीच का गैप है 4 का, ठीक है। प्लेट की लंबाई है 7 इंच, डाल देते। अब पिछले गले की 1 इंच की छटाई होती है, बिल्कुल हल्की हल्की सी, बिल्कुल यहाँ से ऐसे, ऊपर ऊपर से दो, ये हो गई पीछे वाली पूरी प्लेट्स हो गई। अब इसको उठा देंगे, आगे वाले की करेंगे, इसको पहले फोल्ड कर लेंगे ऐसे,
दो इंच का जो हमने बटन पट्टी के लिए कपड़ा रखा था ना, उसको अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे और यहाँ पे लेंगे ढाई इंच, यहाँ पे लेंगे तीन इंच, इसको काट देंगे। पूरे गला कंप्लीट, शर्ट की कटिंग हो गई, ठीक है। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे। बाजू हमारी 5 की तैयार है, ठीक है। तो हम लिया है ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 6.5 तो यहाँ पे 3.5 की तो गोलाई हो गई। जो मुंडे की गोलाई है शर्ट की ज्यादा होती है, मोरी फ्री लेनी है क्योंकि हमने आगे रबड़ डालना है। आगे वाले पार्ट की छटाई कर देते हैं, दो उठा के जो स्ट्रेट लाइन होती है इसके ऊपर से काटते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी शर्ट की हो चुकी है कटिंग, अब करेंगे इसकी सिलाई। ठीक है, सिलाई शुरू करने से पहले हम है ना यहाँ से इसकी छटाई कर लेंगे 1.5 इंच की, यहाँ से मतलब ये गोलाई का जो हमारे नीचे का घेर होता है ना उसकी गोलाई के लिए होता है। हो गई हमारी ये हल्की सी जो घेर की गोलाई है वो हो चुकी है। अब हमारी जो पट्टी है ना बटन पट्टी, इसको फोल्ड करेंगे। ये तो है हमारा उल्टा, ये पट्टी मोड़नी है हमने सीधी साइड में, ये सीधी साइड है ना इसके अंदर। ये हमारे ऐसे फोल्ड हो गए। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको थोड़ा सा दबा के ऐसे, और बटन पट्टी को ऐसे तैयार करेंगे। लगा लिया हमने सिलाई, दूसरी पट्टी है जो दूसरी पट्टी है ना इसमें 2 लगाएंगे सिलाई। ऐसे ही फोल्ड करेंगे इसको भी सेम। इसे तो लग गई है ये वाली सिलाई जो इस पर लगाई थी, लेकिन इसकी बाहर वाली एक और लगा दी।
इसकी बाहर वाली भी लगी और ये दोनों सिलाई लगी। अब हमारे आगे वाले पार्ट की छटाई नहीं हुई थी ना, अब वो करेंगे। एक इंच की छटाई होगी। अब प्लेट्स के निशान हम दोनों पे लगा लेंगे ना। अब पहले मुड्डे ज्वाइंट करेंगे। एक साइड से या दूसरे भी ऐसे ही कर देंगे इसे। मापेंगे ये हमारा कितना है, जो हमने बैंड लगानी है ना अपनी शर्ट पे, वो माप लेंगे कितना है। ये जैसे गला है ना, इसकी दोनों पट्टियों को ऐसे मिलाएंगे और ऐसे रखेंगे इसको, और ऊंची टेप से माप लेंगे ऐसे। ये हमारा 9 है, तो हम 9 का ही अपना बुकरम 18 की लेंथ लेंगे बुकरम की और उससे काटेंगे। ये हमने पैन की कटिंग कर ली है और पेस्टिंग कर ली, ठीक है। पैन लगाना मैं अगली कुर्ती में आपको अच्छे से सिखाऊंगी। अकेले पैन की कटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए आज मैं सिर्फ ये बताऊंगी आपको। आगे वाली वीडियो में आपको मैं पैन की कटिंग कैसे की जाती है वो बताऊँगी, ठीक है। अब इसका इसको लगाते हैं। ये तो है नीचे का हिस्सा, जो ऊपर का है ना, इसके साथ में सिलाई लगा लेंगे ऐसे।
इसके बाद जो ये कपड़ा है ना हमारा, इसको ऐसे इसके ऊपर यू करेंगे, फोल्ड करेंगे कपड़े को। उस तो डाना इसी बैन के ही ऊपर है ये। ऐसे में ऐसे इसको पूरे को घुमा के चढ़ा देंगे, ठीक है, लग गई हमारी सिलाई। अब इसको सीधा करेंगे ऐसे, इसमें कट लगा दी है मैंने, ठीक है, इसमें कट लगा लेना, गोलाई है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा अब ये रखेंगे यहाँ पे, अपनी उल्टी साइड में रखेंगे इसको, और एक पैर की सिलाई जो हमने कपड़ा रख रखा है ना एक्स्ट्रा, ये देखिए, तो ये सिलाई घुमा ऐसे पूरे गोल गले में घुमा के लेके आएंगे। तो ऐसे आराम से रखते रहेंगे और सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड करके और ऐसे सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। जो हमने ऐसे फोल्ड किया ना, इसको अंदर दबाना, ध्यान रहे ऐसे अंदर दबा के फिर यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ऐसे इसको अंदर की साइड में और इसको ऐसे ऊपर, ऐसे ही आराम से उसको लगाते रहेंगे, उसको सिलाई लगाते रहेंगे, जो निकला हुआ ना इसको अंदर कर देंगे ऐसे। अंदर अच्छे से दबा के आपको वो काटते हैं, काटते हैं Thank you.
रहता है ना, तो उसको थोड़ा सा आराम से दबाना पड़ता है। लगी हमारी बहन, देखिए ये हो गई है हमारी शर्ट की बहन तैयार। ये हमने कॉलर वाली नहीं, बहन वाली शर्ट बनाई है अपनी। ये देखिए ये बहन हो गई तैयार। अच्छा अब करेंगे अपनी बाजू तैयार। बाजू में आगे रबड़ डलेगी, तो ये हमने जितनी हमारी मोरी होती है ना टाइट हम नेप लेते हैं, उतनी हमने ये रबड़ काट ली है ऐसे ऐसे। दोबारा से बता देती हूँ, कोई मिस्टेक ना हो गया। एक बार ऐसे घुमाएं फिर ऐसे, ठीक है। पूरा खींच के इसको रबड़ को और ऐसे दबा देंगे और मशीन को निकल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा खींच के फिर ऐसे ही दबा के इसको। इसको अंदर दबा दे, दागे निकलते हैं, इनको अंदर दबा देंगे। देखिए डल गई बाजू मेरे बड़े अच्छी आ रही ना लुक इसकी, तो ऐसे ही दूसरी बाजू में रबड़ डाल देंगे। ठीक है ठीक है, अब हम बाजू लगाएंगे। ठीक है, ये हमारी सीधा साइड है हमारी शर्ट का, और ये हमारी सीधा शर्ट है बाजू का पार्ट है, सॉरी बाजू का। इसको अब सिलाई लगा देंगे इसे। हमारी बात देखिए आराम से अटैच हो रही है ना, पूरा पूरा बाजू हो रही है। देखिए ये हमारी बाजू लग गई है। अब हम प्लेट डाल देंगे, जो हमने निशान लगा रखे हैं ना प्लेट के, अब प्लेट्स डाल देंगे। दो प्लेट आगे डलेंगे और दो प्लेट पीछे डलेंगे। देखिए निशान है ना जो ऐसे, यहाँ से हम शुरू करते हैं और यहाँ पे आधा इंच पे आके फिर दोबारा से जो ये हमारा सेंटर होता है प्लेट्स का, ठीक है, यहाँ पे पूरा आधा इंच कवर हो जाता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पे आके बिल्कुल ख़त्म। अब शुरुआत करते हैं यहाँ से नीचे से,
एक दो बार मशीन को आगे पीछे करें और फिर ठीक है। इस तरह से हम यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे आधा इंच हो जाता है हमारा। दूसरी भी ऐसे ही डाल लेंगे, पकड़ेंगे कपड़े को ऐसे और यहाँ से शुरू पीछे की ओर कंप्लीट ऐसे ही आगे की, ऐसे ही आगे की प्लेट्स डाल देंगे जो हमने पीछे की डाली है ना। देखिए ये प्लेट्स पीछे की है और ऐसे ही आगे की डाल देंगे ठीक है। अब सिलाई लगा देंगे, बाजू लग गई हमारी, प्लेट डल गई, अब लगाएंगे फिटिंग का, फिटिंग की सिलाई जो हमारा निशान है ना इसके ऊपर से। ये फिटिंग की सिलाई दूसरी साइड से भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये हमने दूसरी साइड भी लगा ली ठीक है, ये भी लगा यहाँ से मिला के ऐसे और एक जैसा करके, और यहाँ पे कपड़ा कई बार बढ़ जाता है कई बार घट जाता है तो ये एक जैसा करना होता है। अब इसको रख के इसकी छटाई देख लेंगे कहीं से गड़बड़ तो नहीं है ऐसे, तो ये कैंची से इसको ऐसे सफाई से इसको काट देंगे क्योंकि जब मोड़ेंगे ना तो बढ़ेगा या घटेगा नहीं ठीक है। अब यहाँ से मोड़ना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से बिल्कुल पतला एक पैर वाला ऐसे करके यू शर्ट में नीचे से बिल्कुल पतला पतला मोड़ा जाता है, थोड़ी गोलाई है तो नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचेंगे, ऊपर ऊपर वाले को आराम से रखेंगे ऐसे। गोलाई अच्छे से हो जाएगी इसमें, धीरे धीरे इसको रखेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे आके पॉइंट पे भी ये हमारा सिलाई आ गई, यहाँ पे भी ऐसे ही बिल्कुल हो गई ना बोला अच्छे से। देखिए नीचे वाला कपड़ा हल्का सा खींच के रखेंगे ना इसको ऊपर वाले को तो ऑटोमेटिक गोलाई अच्छी आ जाती है, गोलाई होती है देखिए ऐसे नहीं आ रही, और ऐसे खींचते ही आराम से मिल जाता है। फिर मैं से गोलाई नीचे वाले को खींचते ना देखो अपने आप मुड़ता चला जाता है ऐसे।
दीजिए। हो गई गोलाई अच्छे से हमारी, पूरे में ऐसे ही लगानी है अब सिलाई, पूरे घेर में ऐसे ही मोड़ लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गई हमारी शर्ट सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।